ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। राहत तिंदौरी की ये लाइन जसप्रीत बुमराह के ऊपर बिल्कुल ही सटीक बैठती है। जसप्रीत बुमराह अगर ना होते तो हम विश्व चैंपियन ना बनते, जसप्रीत बुमराह ना होते तो हम 30 गेंदों पर 30 रन ना डिफेंड कर पाते, जसप्रीत बुमराह ना होते तो भारतीय खिलाड़ियों के अंदर आस उम्मीद सब कुछ खत्म हो गई होती, जसप्रीत बुमराह ना होते तो 17 साल बाद हम इतिहास नहीं दोहराते, जसप्रीत बुमराह ना होते तो ये सब सपना साकार नहीं हो पाता। तो यही बात है कि जो लोग बड़े रहते हैं, बड़े बने रहते हैं, चाहे वो खामोश खड़े रहे। राहत इंदौरी ने क्या खूब लिखा है, जसप्रीत बुमराह के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। न विकटों का जश्न, न अच्छा प्रदर्शन करने का गुरूर, ना कुछ, फिर भी अपना रोल इतने शांति से अदा करके जाते हैं कि उतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन अगर हम विश्व क्रिकेट की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं, ना ही वो विराट है, ना ही रोहित शर्मा है, शायद इस वक्त विश्व क्रिकेट में बुमराह जैसा इंपैक्ट कोई नहीं छोड़ रहा है, ना छोड़ पाएगा, न भूतो न भविष्यति। मैं तो यही कहूंगा, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन है, जिस अकेले दम पर वो मुकाबले को खींच लाते हैं भारतीय टीम के तरफ, हारे हुए मुकाबले में जान झोंक देते हैं, और आज वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने दिखाया है कि उनकी इस टीम में क्या अहमियत है, वो कितने बड़े कैलिबर वाले खिलाड़ी हैं। और ये टीम चैंपियन बननी थी तो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के दम पर बननी थी, और उन्होंने चैंपियन बनाकर दिखाया। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल ही डिजर्व करते हैं टाइटल जीतना। जसप्रीत बुमराह इस वर्ल्ड कप में अलग दिखे हैं, जसप्रीत बुमराह इस वर्ल्ड कप में अपना हुनर दिखाते हुए दिखे हैं, जसप्रीत बुमराह ने अपना लोहा मनवाया है, जसप्रीत बुमराह ने वर्ल्ड क्रिकेट में दिखाया है कि उनसे बेहतर कोई गेंदबाज हो नहीं सकता। चाहे जैसी स्थिति दे दीजिए, चाहे जैसी परिस्थिति दे दीजिए, चाहे जैसा कंडीशन दे दीजिए, वह हर एक कंडीशन में अपना बेस्ट देना जानते हैं, वह हर एक परिस्थिति में उठ खड़े होते हैं, डट कर प्रदर्शन करते हैं और भारतीय टीम को मुकाबले में आगे 30 गेंदों पर 30 रनों की दरकार। 16वां ओवर पहले फेंकते हैं, 4 रन खर्च करते हैं, फिर 18वें ओवर में आते हैं, पूरे डिफेंस के मूड में रहती है साउथ अफ्रीकन टीम। मिलर और मार्को एंसन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात दिमाग में लेकर चलते हैं कि ये ओवर डकाना है, चाहे एक भी रन ना बने लेकिन डकाना है। पूरे डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, लेकिन डिफेंस को ब्रीच करना T20 क्रिकेट में किसी को आता है तो उसका नाम जसप्रीत बुमराह है। मार्को यानसन को अपनी ब्यूटी से छकाते हैं, बोल्ड मार देते हैं, उनके डिफेंस को ब्रीच कर देते हैं और भारतीय टीम को चैंपियन बना देते हैं। अगर इस वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन पर हम गौर फरमाएं तो कुल 15 विकेट उन्होंने निकाला है। इन 15 विकेट के लिए उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है। सिर्फ 15 विकेटों पर मत गौर फरमाइए, उन 15 विकेटों का इम्पैक्ट देखिए, उनकी गेंदबाजी का इम्पैक्ट देखिए। क्योंकि जब भी कप्तान रोहित शर्मा को दरकार होती थी इस वर्ल्ड कप में विकेट की, जब भी भारतीय टीम इस किसी भी मुकाबले में पीछे इस वर्ल्ड कप में गया है, जसप्रीत बुमराह को लाया गया है, उन्होंने कभी भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया। अगर हम ब्रेकअप करें उनके प्रदर्शन को हर एक मुकाबले के, तो आयरलैंड के खिलाफ 2/6, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 3/14, USA के खिलाफ सबसे एक्सपेंसिव उनका स्पेल रहा है जहां पर 25 रन खर्चे, एक भी विकेट नहीं निकला, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट 7 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 2/13, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1/29, इंग्लैंड के खिलाफ 2/12 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2/18। जो 16वां और 18वां ओवर इन्होंने डाला है, खासकर 18वां ओवर, वो यादगार ओवर रहेगा जसप्रीत बुमराह के लिए, उसको सदा सदा के लिए याद किया जाएगा। जब भी 2024 T20 वर्ल्ड कप का जिक्र होगा, जसप्रीत बुमराह का वो 18वां ओवर याद किया जाएगा, जसप्रीत बुमराह का वो 16वां ओवर याद किया जाएगा। क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए थे तो साउथ अफ्रीकन टीम काफी मजबूत स्थिति में थी, साउथ अफ्रीकन टीम मुकाबला जीत रही थी, साउथ अफ्रीकन टीम को 26 रनों की दरकार थी 24 गेंदों पे, और पिच बिल्कुल फ्लैट था, बॉल बल्ले पर आसानी से आ रही थी। उसके पिछले ओवर की बात करें तो अक्षर पटेल 24 रन खर्च कर गए थे, मोमेंटम साउथ अफ्रीका के साथ था, फिर भी भारतीय टीम को मुकाबला जिताना सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह कर सकते थे। जसप्रीत बुमराह का मैजिक कर सकता था, रोहित शर्मा की आखिरी आस जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह अपने कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे, भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरे उतरे, भारतीय टीम को चैंपियन बनाया, और ये बात साफ है कि जसप्रीत बुमराह ना होते तो हम चैंपियन ना बनते। कमाल है जसप्रीत बुमराह, सलाम है जसप्रीत बुमराह, नमन है जसप्रीत बुमराह, धन्यवाद है जसप्रीत बुमराह आपके इस शानदार
प्रदर्शन के लिए, जिस तरीके से आपने जी जान झोंका है, चर्चाएं कम होती हैं आपकी, लेकिन आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस वक्त विश्व क्रिकेट की बात करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागिएगा जसप्रीत बुमराह का ये प्रदर्शन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।